गाजर गोभी और शलगम का अचार एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। ये विंटर्स में बनने वाला एक बहुत ही टेस्टी अचार है जिसको खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। एक तो इसमें हमें फ्रेश वेजिटेबल्स की सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है और साथ ही जब हम इसे फर्मेंट करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक बन जाता है। इसे बनाना काफ़ी सिंपल रहता है, तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं गाजर गोभी का अचार। यहाँ मैं ले रही हूँ एक गोभी का फूल, चार गाजर और चार टर्निप्स। सबसे पहले हम अपनी सारी वेजिटेबल्स को पील कर लेंगे और उनको स्लाइसेस में काट लेंगे। कैरेट को आप किसी भी नाइफ से इस तरह से स्क्रेप कर लीजिए। टर्निप का छिलका काफ़ी मोटा होता है तो इसका छिलका हम पीलर से उतार लेंगे। गोभी का आप इस तरह से डंठल अलग कर दीजिए। गोभी को हम पहले बीच में से हाफ कर देंगे, फिर हम उसको एक बार फिर से बीच में से आधा करेंगे। गोभी के हमें थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस कट करने होंगे। ये देखिए किस तरह से मैंने गोभी को पूरा कट कर लिया है। अब हम गाजर लेंगे, एक लंबी गाजर के हम तीन से चार टुकड़े करेंगे और बीच में से भी इसको काट कर हम इसके पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी सारी गाजर भी काट सकते हैं। शलजम को आप पहले बीच में से हाफ कीजिए और फिर उसको इस तरह से रख कर इसके लंबे लंबे स्लाइसेस काट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैं एक पतीले में पानी लूँगी और इसको अच्छे से बॉयल कर लूँगी। बॉयलिंग वाटर में हम हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और अब हम इसमें अपनी कटी हुई सारी सब्जियाँ डाल लेंगे। हमें इन सब्जियों को हल्का सा ब्लांच करना होता है। इन सब्जियों को डालने के बाद आप इन्हें 4-5 मिनट पानी में पकने दीजिए। आप गैस को तेज ही रखिए और उसके बाद हम सब्जियों को चेक करेंगे। ये हल्की सी गल जानी चाहिए। आप गाजर को हाथ से हल्के से दबा के देखिए कि ये बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गली भी नहीं होनी चाहिए। अचार में जब सब्जियों में अच्छी बाइट आती है तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब हमारी सब्जियाँ हल्की सी गल गई हैं। अब हम एक स्ट्रेनर में से इन सब्जियों को निकाल देंगे ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। अब अच्छे से पानी निकालने के बाद एक मलमल के कपड़े में इन सब सब्जियों को फैला दीजिए। अचार को धूप में डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए इस तरह से हम सब्जियों को धूप में फैला देंगे ताकि सब्जियों का सारा पानी अच्छे से सूख जाए। सन ड्राई होने के बाद अचार जल्दी ख़राब नहीं होते। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मसाला बनाना। सबसे पहले हमने एक गरम मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच जीरा, 2 मोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 5-6 लौंग डालेंगे। इन्हें हम स्लो गैस पे थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा जीरा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे मिक्सर में डालकर इस मसाले को पीस कर रख लेंगे। इस मसाले का फ्लेवर हमारे अचार को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 3/4 कप सरसों का तेल डाल देंगे। ये वाला अचार सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। अब हम इस सरसों के तेल को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये स्मोकी ना हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा धुआं निकल रहा है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसमें मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच अदरक कसी हुई और साथ में मैं डालूंगी यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच गार्लिक जो कि मैंने पीस लिया है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप गार्लिक अवॉइड भी कर सकते हैं। इन्हें आप हल्का हल्का बिल्कुल स्लो गैस पे भून लीजिए। हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसमें पिसी हुई राई डालेंगे। हम राई को मिक्सी में पीस कर रख लेंगे और मैं यहाँ पर इसमें 50 ग्राम पिसी हुई राई डाल रही हूँ। आप राई को भी हल्का सा भूनिए और कलर के लिए अब इसमें हम देगी मिर्च डालेंगे और साथ में हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पर हम 80 ग्राम नमक डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डलती है। और साथ में ही मैंने यहाँ पर अपना गरम मसाला जो हमने पीसा था वो भी डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही हम इसके अंदर 120 ग्राम गुड़ डाल रहे हैं। ये गुड़ को मैंने थोड़ा सा पीस कर रख लिया था। अब इन सब चीज़ों को आप हल्का सा भूनिए और इसके बाद हम इसमें 1 कप विनेगर डालेंगे। विनेगर से अचार खराब नहीं होता और इसमें एक बहुत अच्छा खट्टापन आता है। इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आप इस मिक्सचर को अपनी सब्जियों में मिला लीजिए।
हमने अचार के मसाले और सब्जियों को खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला सब्जियों को अच्छे से कोट कर ले। अब हमें इस अचार को 3 से 4 दिन तक धूप दिखानी है जिससे कि हमारा अचार काफ़ी दिन तक चलेगा। अब आप इस अचार को सर्दियों में खूब इंजॉय कीजिए। किसी भी रोटी या पराठे के साथ ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।